स्टार्ट करते हैं यूनिट्स और मेजरमेंट का पार्ट नंबर टू। तो इसमें हम देखेंगे पहले मेजरमेंट ऑफ मास क्या होता है। यूनिट ऑफ मास जो है वो हमारी किलोग्राम होती है, लेकिन जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ डील करते हैं तो जो ये किलोग्राम यूनिट होती है वो इनकन्वीनियंट हो जाती है। इन दिस केस देयर इज एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। इस केस में हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मास की यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। विच हैज बीन एस्टैब्लिश फॉर एक्सप्रेशन द मास ऑफ एटम। जो किसके लिए एस्टैब्लिश की गई थी, मास को एक्सप्रेस करने के लिए, एटम के मास को एक्सप्रेस करने के लिए जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया। और वन यू इक्वल्स टू होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, जो कि इक्वल होता है 1.66 × 10⁻²⁷ के जी। इनर्शियल बैलेंस को हम यूज करते हैं इनर्शियल मास के लिए। फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस को यूज किया जाता है जो ग्रेविटेशनल मास होता है उसके लिए। तो जो रेंज ऑफ ऑर्डर, रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मास है, रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मास को आप टेबल से देख सकते हैं, टेबल से आप इनको नोट कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ रे, ऑर्डर एंड रेंज ऑफ मास दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या कहा है, टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स। टाइम क्या है, घड़ी क्या रीड करती है वो टाइम है। एनी फिनोमिना दैट रिपीट इटसेल्फ, एनी फिनोमिना दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड। उदाहरण के लिए बीटिंग ऑफ वुमेन हार्ट, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑल दीज आर द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम। ये सभी जो एग्जांपल दिए गए हैं वो क्या है, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है किसके, सीजियम 133 एटम्स के, जो सर्व करते हैं एज द मोस्ट एक्यूरेट स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। सम टेक्निक्स यूज फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल ओवर डिफरेंट रेंज। कुछ टेक्निक्स हैं जो व्यापक स्तर पर जो है यूज की जाती है टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन, क्वार्ट्ज क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एटीसी। तो रेंज ऑफ टाइम इंटरवल के लिए आप जो है टेबल को देख सकते हैं, इसमें जो है रेंज और टाइम रेंज दिया गया है टाइम इंटरवल का। नेक्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के नजदीक जो मेजरमेंट होती है उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के नजदीक होगी उस तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्यूरेट कहेंगे। प्रीसेसर, इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, इट डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो प्रीसेसर क्या है, ये रिजोल्यूशन या लिमिट है टू विच द क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी को मेजर किया जाता है और इसको डिटरमिन किया जाता है बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी लिस्ट काउंट के द्वारा इसको मीटर किया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो स्मॉलर लिस्ट काउंट होती है, स्मॉलर लिस्ट काउंट होने पर ग्रेटर प्रिसिशन होता है। तो अगर स्मॉलर लिस्ट काउंट है तो ग्रेटर प्रिसिशन होगा, और अगर ग्रेटर लिस्ट काउंट है तो स्मॉलर प्रिसिशन होगा। लिस्ट काउंट आप जानते ही होंगे, मान लीजिए एक पार्ट में 20 सब पार्ट बने हैं तो उसका लिस्ट काउंट क्या होगा, 1/20। एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में कुछ एरर होती हैं उनको, एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस। जो एरर होती है मेजरमेंट में वो क्या है, एक डिफरेंस है किसका, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। तो एरर क्या कहते हैं हम, जो ट्रू वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू
प्रकार से एरर हमारी हो जाएगी ट्रू वैल्यू माइनस मीजर वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, फर्स्ट क्या है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने मैनी प्रैक्टिकल्स किए हैं और उनमें सभी में जो एरर आ रही है वो सेम है, तब हम उसको जो है कांस्टेंट एरर कहते हैं। फिर है सिस्टमैटिक एरर। जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो आपकी क्या होती है, ये टाइप ऑफ एरर होता है जिसमें ये केवल वन डायरेक्शन में होती है, जो कि पॉजिटिव में भी हो सकती है और निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो क्या कहेंगे, द एरर विच अकर इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में कुछ टाइप्स हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर आप जानते हैं कि मान लीजिए इसको इंस्ट्रूमेंट बनाने में कुछ अगर एरर हुई है और उसकी वजह से प्रैक्टिकल में आप एरर आ रही है तो वो इंस्ट्रूमेंट एरर हो जाएगी। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है, मान लीजिए जो ऑब्जर्वेशन लेने में है उसमें अगर केयरलेसनेस आ गई तो जो है ये पर्सनल एरर अगर होती है। एक्सटर्नल कॉजेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल कॉजेस हो गए मान लीजिए जिस रूम में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर उस एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, तो वो एक्सटर्नल कॉजेस हो जाएगा। लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, लीस्ट काउंट एरर जो रहती है वो लिमिटेशन इम्पोज करती है ड्यू टू लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या होती है, ये केयरलेसनेस ऑफ पर्सन, यानी कि जो पर्सन होता है एक्सपेरिमेंटल जो कर रहा है अगर वो केयरलेस हो जाता है तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस एरर कहते हैं। आइए अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये एक एब्सोल्यूट एरर जो है वो एक डिफरेंस है किसका, बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं मेजरमेंट की, और इसे मोड ऑफ डेल्टा अल्फा के द्वारा डिनोट किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू वी कंसीडर अरिथमेटिक मीन एज अ ट्रू वैल्यू। अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड जिसमें ट्रू वैल्यू नहीं है तो उसमें हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन को ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। द एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यूज फ्रॉम द ट्रू वैल्यू आर डेल्टा अल्फा वन इक्वल्स टू अल्फा वन माइनस अल्फा मीन, डेल्टा अल्फा टू इक्वल्स टू अल्फा टू माइनस अल्फा मीन एंड सो ऑन, डेल्टा अल्फा एन इक्वल्स टू अल्फा एन माइनस अल्फा मीन। अगर हम इसका मीन निकालें तो मीन इन सभी को ऐड कर देंगे और जितने नंबर हैं उनको उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन मोड ऑफ डेल्टा अल्फा आई डिवाइडेड बाय एन। एन इज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इफ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू वी गेट मे बी इन द रेंज ऑफ अल्फा मीन प्लस माइनस डेल्टा अल्फा मीन। तो अगर हम एक सिंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो अल्फा मीन और प्लस माइनस डेल्टा अल्फा मीन होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा जो है वो हमारा क्या होगा, अल्फा मीन प्लस माइनस डेल्टा अल्फा मीन और अल्फा मीन माइनस डेल्टा अल्फा मीन लेस और इक्वल टू होगा अल्फा के और दिस लेस एंड इक्वल टू होगा अल्फा मीन प्लस डेल्टा अल्फा मीन। ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि जो हमारा अल्फा है वो लाई करेगा किसके बीच में, अल्फा मीन प्लस डेल्टा अल्फा मीन और अल्फा मीन माइनस डेल्टा अल्फा मीन।
अब देखते हैं रिलेटिव एरर क्या होती है। रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा अल्फा मीन टू द मीन वैल्यू अल्फा मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। तो इसको डेल्टा अल्फा से डिनोट किया जाता है, तो डेल्टा अल्फा हो जाएगा हमारा रेशियो ऑफ डेल्टा अल्फा मीन बाई अल्फा मीन। तो अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, जिससे कि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होती है, एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। यदि हमें सम और डिफरेंस में एरर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या होगा, व्हेन टू क्वांटिटी आर एडेड और सबट्रैक्टेड। यदि दो क्वांटिटी को ऐड और सबट्रैक्ट किया जाता है, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ T1 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है और T2 इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है, तब अगर हमको टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना है T2 माइनस T1, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका A प्लस माइनस डेल्टा A और ये हो जाएगा B प्लस माइनस डेल्टा B। तो क्या कहा गया है, हमको क्या करना है, T2 माइनस T1। तो इसमें केवल जब हमको T2 माइनस T1 करना है तो क्या कहा गया है, टू क्वांटिटी आर एडिड और सेपरेटेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का सम होगी। तो T2 कितना है आपका 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो A माइनस B तो हमारा हो जाएगा 50 माइनस 20, ये आ गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है फाइनल रिजल्ट में, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है इनका क्या होगा, इसमें सम हो जाएगा। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ए और बी में तो जो रिलेशन ऑपरेट करना है वो हो जाएगा, और सेकंड वाले में यानी कि डेल्टा ए और डेल्टा बी वाले में इनका हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा, भले ही हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशेंट। अब हमें प्रोडक्ट या क्वोशेंट में एरर फाइंड कैसे करनी है, व्हेन टू क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स। तो अगर V इक्वल्स टू हमारा 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट है और I करंट है, ये वोल्टेज है ये करंट है, तो ये 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पीयर है, तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन R, जो कि R क्या है, V बाई I है। तो यहां से डेल्टा डेल्टा V बाई I क्या हो जाएगा, अगर हम इससे लिए देखें डेल्टा V बाई V, तो हमको मिलेगा डेल्टा A बाई A, यानी कि यहां से हो जाएगा 5 बाई 100। तो ये 5% आएगा जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ से डेल्टा बी बाई बी क्या होगा 0.2 बाई 10, और 0.2 बाई 10 क्या होगा 2 बाई 100 मीन्स 2%। तो जब हम इसका टोटल परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7%। टोटल परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 7%। नेक्स्ट देखते हैं एरर इन द केस ऑफ अ मेजर क्वांटिटी रेंज टू द पावर। यदि पावर के रूप में हो तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में आपने देख लिया कि वो ऐड होंगे, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, और जब पावर होंगी तो पावर वो मल्टीप्लायर के रूप में आ जाएगी। ये कह रहे हैं द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर के इज द के टाइम्स। इसका मतलब जो वो पावर होगी वो हमारे किस में आ जाएगी, रिलेटिव एरर के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जैसे यहाँ a टू द पावर जेड है, a टू द पावर 4 इनटू b टू द पावर 1 बाय 3 बाय c d टू द पावर 3 बाय 2। तो ये जो 4 है ये a से पहले आ जाएगी, और a का क्या होगा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब डेल्टा a बाय a, डेल्टा a बाय a क्या है, रिलेटिव एरर इन a।
प्लस ये जो बी रिलेटिव का 1/3 है, 1/3 मल्टीप्लायर बन जाएगा और बी का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी। ऐसे ही डिवाइड में है तो डिवाइड वाले भी ऐड होंगे, प्लस सी, सी की कोई पावर नहीं है तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा सी बाई सी। प्लस डी की पावर 3/2 है तो 3/2 एज ए मल्टीप्लायर हो जाएगा, और डी में जो रिलेटिव एरर होगी वो क्या होगी, डेल्टा डी बाई डी। इस टाइप से हम इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और जो पावर होगी वो किसमें आ जाएगी, मल्टीप्लायर के रूप में आ जाएगी, और जो क्वांटिटी है उनकी क्या, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब ए में रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई ए, बी में रिलेटिव एरर डेल्टा बी बाई बी, और सी में रिलेटिव एरर डेल्टा सी बाई सी, और डी में डेल्टा डी बाई डी। सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है, द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज अ नंबर दैट आर That includes all digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain. The reliable digits plus the first uncertain digit are known as significant figure or significant digits. For an example, in 1.62, 1 and 6 are reliable certain, while 2 is uncertain. This implies that 1.62 has 3 significant digits which are 1, 6, 2. In 287.5, digits 287 are reliably certain, while 5 is uncertain. So 287.5 has 4 significant digits. A choice of change of unit does not change the number of significant digits in measurement. तो अगर हम यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो उससे जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उन पर कोई अंतर आने वाला नहीं है। कोई भी यूनिट आप रख लीजिए उसमें वही उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे जितने दूसरी यूनिट में है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2.308 सेंटीमीटर है, इसमें 1, 2, 3, 4 फोर सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अगर इसी को हम मीटर में देखें तो 0.02308 ये मीटर में है, इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें भी फोर सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 23.08 mm मिलीमीटर में ये हो गया, तो इसमें भी कितने हैं, फोर सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो लोकेशन है डेसिमल पॉइंट का, डेसिमल पॉइंट का लोकेशन सिग्निफिकेंट डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसके आधार पर कुछ रूल निकल कर आते हैं जो क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी जो नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये कोई नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। तो सभी नॉन जीरो डिजिट जो है वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वे सभी जीरो जो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आती हैं वे सभी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 2, 0, 3, 0, 7, 5, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, क्योंकि इसमें 0 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। इफ द नंबर इज द लेस देन 1, यदि नंबर लेस देन 1 है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट में जो जीरो है, बट to the left of the first non-zero digits are not significant. जैसे 0.0237, इसमें क्या कहा है, ये first non-zero digit है, उसके पहले जो digit होगी या कहें कि decimal के right में, decimal के right में ये zero है या non-zero के पहले जो digit है
वो हमारी क्या होती है, नॉट सिग्निफिकेंट। ये जीरो यहां पर क्या कहलाएगी, नॉट सिग्निफिकेंट कहलाएगी। फोर में देखते हैं, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 1, 2, 3 मीटर है, 123 मीटर है, इसमें कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसी को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये होगा, ये जो दो जीरो हैं ये बोली गई हैं यहां, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, तो केवल इन्हीं को जो है सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट किया जा रहा है। या इसको अगर एमएम में चेंज करें तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ट्रेवलिंग या टर्मिनल जीरो बन जाएगी। तो यहां पर 1, 2, 3 क्या होंगे, ये होंगे हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट। सभी में क्या है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इन ट्रेलिंग जीरो की बात हो रही है और टर्मिनल जीरो की बात हो रही है कि नॉन जीरो के बाद आने वाली जो जीरोज हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में, तो वो सभी क्या होंगी, ट्रेलिंग जीरो होंगी। द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट आ जाता है तब वो ट्रेलिंग जीरो जो है आपकी सिग्निफिकेंट बन जाती है। जैसे 3.500 और 0.06900, तो यहां पर ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, तो डेसिमल के बाद जो हमारा नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद जो जीरो आएंगी यानी कि वो ट्रेलिंग जीरो, वो यहां पर क्या बन जाएगी, सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएगी। देखते हैं, मान लीजिए 4.700 मीटर में कोई हमारे पास मेजरमेंट है, उसको हम सिंपली अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 4.7 मीटर। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 है। लेकिन अगर हम इसको यूनिट में चेंज करते जाते हैं, 470.0 सेंटीमीटर, 4700 मिलीमीटर और 0.00470 किलोमीटर, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो वेरी कर रही है। तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है, तो ट्रेलिंग जीरो जो है एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ये ट्रेलिंग जीरो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरो एक कंफ्यूजिंग है। तो अगर इस कंफ्यूजन से बचना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है उसको क्या कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कर लेते हैं। टू रिमूव दिस एम्बिग्युटीज इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन सिग्निफिकेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो 4.700 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 4.700 × 10^2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, यही चीज 4.700 × 10^3 mm, ये एमएम में कन्वर्ट हो गया 4.700 × 10^-3 किलोमीटर। यानी कि वही जो हमारे मेजरमेंट है साइंटिफिक नोटेशन में सभी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में क्या कर रही है, सेम सिग्निफिकेंट डिजिट रख रही है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल ये ट्रेलिंग पॉइंट क्या कहा गया है, ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस टाइप से 1, 2, 3, 4 सभी में क्या होंगे, इनमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद यूनिट में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके सिग्निफिकेंट डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ट्रेलिंग जीरो के कंफ्यूजन से बचने के लिए हम मेजरमेंट को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
साइंटिफिक नोटेशन को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो सम रूल्स अडॉप्टेड इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल, तो कुछ रूल जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 होगा विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसमें हम ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्या है, फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद की जो जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी, वो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। तो ट्रेलिंग जीरो के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर सकते हैं। द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 लाइक 0.1250 इज नेवर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। However, the zero at the end of this number is significant. जबकि number के end में जो zero है वो significant है। The multiply or dividing factors which are neither rounded numbers nor numbers representing measured value are exact and have infinite number of significant digits. For example, in r equals to 2, d by 2 और s equals to 2 by r, the factor 2 is an exact number, तो 2 exact number है, इसलिए यहाँ पर जो significant digit होगी इसकी वो infinite होगी, and it can be written as 2.00 और 2.000 as required, जैसे हमारे required है उसके according हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं। similarly in t equals to t by n and is an एग्जैक्ट नंबर, तो इस प्रकार से हमने यहाँ एग्जैक्ट नंबर है और वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट रखा। हम देखते हैं रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट डिजिट। फर्स्ट क्या है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे एग्जांपल के लिए डेंसिटी का जो निकालते हैं हम मास पर वॉल्यूम, तो 4.27 ग्राम बाई 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, तो आफ्टर कैलकुलेशन यहां तक 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, तो यहां कुछ और है, तो ये होता है कि जिसमें सबसे कम होते हैं वही जो है लास्ट में निकल कर आता है। जैसे यहां पर 3 है, आफ्टर डेसिमल प्लेस इसमें 2 है, तो यहां जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें आफ्टर डेसिमल प्लेस कितने आए जो कि लीस्ट थे। सेकंड में देखते हैं, इन एडिशन और सबट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। फॉर एन एग्जांपल 4.3632 ग्राम, 227.2 ग्राम, 0.301 ग्राम, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो 663.821 ग्राम आता है, लेकिन जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 663.8 ग्राम आता है, जो कि सबसे कम किसमें है, डेसिमल पॉइंट सबसे कम किसमें है, ये 227.2, इसमें केवल आफ्टर डेसिमल 8 प्लेसेस है, तो इसीलिए इस फाइनल रिजल्ट में भी आफ्टर डेसिमल जो है क्या आया, 1 डिजिट आया। तो ये था रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट डिजिट। एक्सटेंशन राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। फर्स्ट क्या है, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रो इज मोर देन 5 एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5। For example, in 2.746, 6 is uncertain digit and which is greater than 5. So we raise by 1 of preceding digit. So it becomes 2.75. So first point में हमने क्या देखा कि
अगर अनसर्टेन डिजिट 5 से बड़ी है तो उससे पहले डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। फिर है कि अगर वो 5 से छोटी है तो फर्स्ट डिजिट को एज इट इज, उससे प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज रहने देते हैं। सेकंड क्या है, इफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज 5, तो हमने ग्रेटर देन 5 देख लिया, लेस देन 5 देख लिया, क्या होगा, ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड कर देंगे प्रीसीडिंग डिजिट में, और अगर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रह जाएगी, और अगर 5 है इनसिग्निफिकेंट डिजिट अगर 5 है देन डिजिट इज सिंपली ड्रॉप इफ प्रीसीडिंग टर्म इज इवन। तो अगर उससे पहली टर्म इवन है तो हम उसको सिंपली जो है ड्रॉप कर देते हैं, जैसे कि 2.745 में 5 इनसिग्निफिकेंट डिजिट है तो उससे पहले 4 है जो इवन है, तो इसलिए हम 5 को सिंपली ड्रॉप कर देंगे और रिजल्ट क्या हो जाएगा 2.74। एंड रेज बाय 1 इफ प्रीसीडिंग टर्म इज ओड, और 1 रेज कर देंगे प्रीसीडिंग टर्म में यदि वो ओड है, जैसे 2.735 में 3 ओड है तो 3 में जो है हम 1 ऐड कर देंगे तो रेंज होने के बाद आ जाएगा 2.74। तो इस तरह से हमने देखा कि जब इनसिग्निफिकेंट डिजिट ग्रेटर देन 5 होती है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, और अगर लेस देन 5 होती है तो एज इट इज रहने देते हैं प्रीसीडिंग डिजिट को, और अगर 5 है इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 है तो इसमें 2 केस होंगे, अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 से पहले इवन है तो सिंपली उसको ड्रॉप कर देंगे, और अगर ओड है तो उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो पावर के फॉर्म है जिसमें बेस क्वांटिटी को रेज किया जाता है उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट राउंड अ क्वांटिटी मींस दैट वी आर डीलिंग विद डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी। तो जब हम क्वांटिटी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर चलते हैं तो ये समझा जाता है कि हम उसकी डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं। डायमेंशन को हम जब डिनोट करते हैं तो सिंपली जो कैपिटल लेटर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे फोर लेंथ को हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल एल, और डायमेंशन की जब बात होगी तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो ये लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी। मास की डायमेंशन के लिए कैपिटल एम का यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट से वो जो है डायमेंशन बन जाएगी मास की। टाइम के लिए कैपिटल डी का यूज करेंगे, तो कैपिटल डी इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या बन जाएगा, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वांटिटी को इन 3 टर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इन मैकेनिक्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एल एम एंड टी। फॉर एग्जांपल द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और 3 लेंथ ब्रेथ भी आपकी क्या होती है, एक लेंथ होती है, हाइट भी लेंथ होती है, और लेंथ तो लेंथ है ही। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 3 लेंथ हो गई, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू एल इंटू एल मीन्स एल क्यूब। डायमेंशन के लिए क्या लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन द मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसीडर्ड। तो इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करते, इट इज क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये केवल क्या है, क्वालिटी है,
दैट एंटर्स, जिसमें विजिबल क्वांटिटी एंटर्स करती है, दस अ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड स्पीड और ऑल इक्विवेलेंट। तो इन सभी में ये सब क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सिंस ऑल द क्वांटिटीज एक्सप्रेस एज लेंथ बाय टाइम, सो देयर डायमेंशन आर L by T or LT minus 1 with square bracket। तो किसी भी क्वांटिटी को हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला, किसी भी क्वांटिटी के फॉर्मूले से हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में और स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ के लिए L, मास के लिए M और टाइम के लिए T का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला है तो उससे आप यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूले में क्या लिया जाता है, केवल वो क्वांटिटी जो है कैपिटल लेटर में ली जाती है, जो इसमें होती है लेंथ, मास और टाइम में कन्वर्ट की जाती है। तो इस टाइप से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में देखा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मेजर किसमें किया जाता है, लेंथ में किया जाता है। तो लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो ये लेंथ का क्यूब हो जाएगा। और डायमेंशन डायमेंशन है वो कौन बता रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है बता रहा है कि ये डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो गई। आइए अब देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ द हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या कहा गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो शो करता है हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब टी एल क्यूब होता है, जहां अब वॉल्यूम जो होता है हमारा वो इंडिपेंडेंट होता है मास और टाइम से, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है मास और टाइम से। तो मास की एम की पावर जीरो ले लेंगे और टी की पावर जीरो ले लेंगे, यहां से ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम मास एंड टाइम। तो जो इंडिपेंडेंट होगा जिस भी क्वांटिटी से उसको हम पावर क्या ले लेंगे, उसकी जीरो ले लेंगे। जैसे स्पीड और वेलोसिटी के लिए, स्पीड और वेलोसिटी का भी हमने देखा था डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, लेकिन हमको किसमें रखना है, एल एम और टी, या कहें कि एम एल और टी, इन तीनों में रखना है। तो इसमें रखने के लिए जो वो क्वांटिटी जिस फिजिकल क्वांटिटी से या जिस फंडामेंटल क्वांटिटी से वो इंडिपेंडेंट है उसकी पावर क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑब्टेन्ड by equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of the physical quantity. Thus, the dimensional equation are the equations which represent the dimension of a physical quantity in terms of base quantity. तो ये dimensional equation क्या है, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसको भी हम डायमेंशन में लिख दें और उसको बराबर कर दें डायमेंशनल फॉर्मूला के, तो वो क्या बन जाती है, हमारी डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। जैसे अभी हमने देखा था वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये, तो अगर वॉल्यूम को भी हमने डायमेंशनल इक्वेशन में इक्वेट कर दिया तब ये हमारी क्या बन जाती है, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। ऐसे वेलोसिटी को देखा था एल टी माइनस वन था, जो कि इंडिपेंडेंट थी मास से, इसलिए उसकी पावर क्या आ जाएगी, हाँ मास की पावर आ जाएगी जीरो। तो दोनों साइड में जब डायमेंशन से राउंड
उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। क्या देखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। डायमेंशन क्या है, वो एक फिजिकल बिहेवियर है फिजिकल क्वांटिटी का। एप्लीकेशन इसमें क्या क्या आ जाएंगे, एप्लीकेशन में आ जाएगा एड अप और सब्ट्रैक्टेड फिजिकल क्वांटिटी दो हैव सेम डायमेंशन। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन की होगी उनको हम एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिड्यूसिंग सर्टेन रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं, डिड्यूसिंग सर्टेन रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट, चेकिंग द डेरिवेशन। जो डेरिवेशंस है वो उसको हम चेक करते हैं वो सही है या गलत है। फोर्थ में मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, देयर यूनिट्स शुड बी ट्रीटेड इन सेम मैनर। नेक्स्ट, आइडेंटिकल यूनिट कैंसिल फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज इन मैथमेटिकल प्रोसेस। तो ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस है।